इस बार तो तुम मेरी बात समझ गए अंगद, लेकिन हर बार मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती। हाँ, बट आई प्रॉमिस यू, अगली बार जब भी पृथ्वी से मिलने जाऊंगी तुम्हें बताकर जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करोगे, है ना? हम दोनों के रिश्ते का मुकाम एक अगले कदम पे जाने वाला है। इस दुनिया में हमारा बच्चा आने वाला है, तुम्हारा और मेरा बच्चा, हमारा बच्चा। दिल टूटा है मेरा, प्लीज कृपा, आइंदा से कोई भी बात मुझसे छुपाना मत प्लीज। पर अंकल, जब तुम्हें इस बच्चे की सच्चाई का पता चलेगा मैं खुद नहीं जानती तुम कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। जब तक पृथ्वी ठीक नहीं हो जाता है तुम हर हफ्ते जाके उसको मिलोगी और बदले में मैं इस राज को राज रखूंगा। हेलो मिस्टर मेरा। हेलो अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे म्यूजिक एल्बम लॉन्च के सिलसिले में बुलाया अंकल। हमने डिसाइड किया है कि मैं भी आपसे उसी सिलसिले में बात करने वाला था। लिसन अंकल, कल तुम्हारा लॉन्च एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन के साथ होगा। यही तो मैं नहीं चाहता हूँ मिस्टर मेरा। What do you mean? देखिए मिस्टर मेरा, ये रीमिक्स मेरा म्यूजिक, I really don't know मेरे फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे, सो मेरे ख्याल से मुझे अभी ये नहीं करना चाहिए। आपको पता है क्या बोल रहे हैं? I mean, सारी तैयारी हो चुकी है अंगद। I know मिस्टर मेरा, लेकिन आप क्या समझते हैं आपकी वजह से मेरी कंपनी चलेगी? मेरे पास और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है मिस्टर अंगद। नहीं मिस्टर मेरा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। It's okay. मैं सब समझता हूँ मिस्टर अंगद। It's okay. All right. It's okay. इस बारे में बात करनी होगी। क्या हुआ मानिक? कुछ नहीं अंगद, अब तुम्हें तो पता है मुझे काम करने की आदत है, और ये घर में खाली बैठे बैठे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। It's really driving crazy. तो अच्छी बात है ना भाई, तुम अच्छे खासे लॉयर हो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन। वो क्या हुआ? वो मैं सोच रहा था कि बोलो, तुम्हारे लीगल मैटर्स मैं हैंडल करूं, मतलब इफ यू फील दैट। अरे इफ यू फील क्या, ऑफ कोर्स यू कैन, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। रियली? या नहीं नहीं नहीं, तुम ये सब सिर्फ मुझे ओबलाइज करने के लिए बोल रहे हो। अरे कम ऑन मानिक, नो रियली आई एम सीरियस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। मैं भी ये सब संभाल नहीं पाता, तुम संभालोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ कौन? हाय कार्तिक। बोलो माने। वो मैं एक मिनट। हेलो। हाँ नहीं नहीं, मैं बस 15 मिनट में आ रहा हूँ। अरे सर आप घबराइए नहीं, मैं बस आ रहा हूँ। राइट ओके। मानिक वो मुझे कुछ काम है, तुमसे बाद में मिलता हूँ। राइट ओके। ये तो कृपा के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं।
तो आपके कहने पे इस मामले में आगे बढ़ा था। आपके भरोसे ही मैंने अंगद से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, पर अब और वो नहीं चाहता, मैं क्या करूं? देखिए सर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं जानती हूँ मैंने ही आपसे डेट्स मांगी थी, यहाँ शायद कोई कंफ्यूजन हो गया है। मैं खुद अंगद से बात करती हूँ इस बारे में। आई मैनेज द डेट्स। ओके, पर आपकी डेट्स हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, मुझे बताइए। आप स्पीक टू लेटर। अंगद। हाय मानिक। हम लोगों की बीवियां वाकई में ग्रेट है यार, हम लोगों के लिए कुछ भी कर सकते। मैं कुछ समझा नहीं। अब इसमें समझने जैसा क्या है अंकल? हम लोगों की बीवियां वाकई में ग्रेट हैं, एंड वी आर लकी टू हैव सच वाइव्स। अरे साफ साफ बोलो क्या कहना है। Just have a look at this contract. Mind-blowing contract. Just have a look at it. अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कृपा इस कंपनी के लिए दो सोलो एल्बम्स करेगी, वो भी अपने मार्केट प्राइस के आधे दाम। और उसके बदले में ये कंपनी तुम्हारी रीमिक्स एल्बम रिलीज करेगी। वाओ, बीवी हो तो ऐसी। तुम कहो तो मैं कृपा को बुलाऊं। कृपा, कृपा, कृपा। क्या बात है मानिक, क्या हुआ अंगद? ये तुम्हें कहां मिली अंगद? सवाल ये नहीं है कि मुझे कहां से मिली, सवाल ये है कि ये सच है या झूठ। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। क्या हुआ कृपा? तो ये घटिया चाल तुम्हारी थी। मैंने तो अंगद को सिर्फ सच्चाई बताई, अब तुम्हारे रिश्ते में ही खराबी है तो कोई क्या कर सकता है। तुम तो बड़े दावे के साथ कहती थी कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अब क्या हुआ? दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत है ना कृपा, अब देखता हूं कि तुम्हारा ये प्यार कितने दिनों तक स्टैंड करता है। वो क्या कहा था तुमने उस दिन? This is my business. ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, तो अब जाके बचा लो अपने घर को, अपने घर वाले को। अब तो तुम्हारा घर वाला भी तुम्हारे साथ नहीं है कृपा, तो बाकी घर के मेंबर्स पे अपनी धौंस कैसे जमाओगी? हाँ, माफ कर दो मुझे, सॉरी। कृपा, क्या तुम्हें मुझ पर या मेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं है? अंकल ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस तुम्हारी। मैं जानता हूँ कृपा, तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी,
I can understand your emotions. मैं जानता हूँ ये तुम क्यों कर रही हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे ऐसे करने से कहीं ना कहीं मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचती है। अंकल, मैं बस यही चाहती थी कि मेरी एल्बम के साथ साथ तुम्हारी भी एल्बम रिलीज हो जाए। बस तुम्हें क्या लगा था अगर मेरे एल्बम रिलीज होने से पहले तुम्हारा एल्बम रिलीज हो जाए तो मुझे बुरा लगेगा, मेरा ईगो हर्ट होगा। कृपा, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारी कामयाबी पे मुझे खुशी होगी, लेकिन मार्केट के आधे प्राइस पे अगर तुम किसी म्यूजिक कंपनी के लिए एल्बम करो, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उसके बदले में म्यूजिक कंपनी तुम्हारे पति के लिए एल्बम करे, इससे मुझे सिर्फ इतना पता लगता है कि तुम मुझ पे और मेरे टैलेंट पे भरोसा नहीं रखती। नहीं अंकल, सच में ऐसी बात नहीं है। तो मैं जानता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक तुम्हारा ऐसा कभी मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ताकत बनो ताकि मैं इस बुरे वक्त से लड़ सकूँ, और आगे जाके तुम मुझ पर फख्र करो। I'm really sorry. Sorry. It's okay. कृपा, मैंने इस म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। यहाँ बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे साथ हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। म्यूजिक लॉन्च कीजिए। बेचारी कृपा, अंदर ना जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा उसे। अंकल, मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारा प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है ना। कोई सोचने की कोई खास वजह? हाँ, देखो ना, कई लोगों ने हमें अलग करने की कोशिश की, वक्त ने भी हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हम आज भी साथ हैं। And I feel so proud of you. मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे साथ साथ तुम चाहते हो कि और लोग भी साथ रहें। देखो ना, तुमने अनीता और मानी के लिए जो कुछ भी किया, मुझे बहुत खुशी हुई। क्या बात है भाई? आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। हाँ, आज बहुत प्यार आ रहा है तुम पर। जब तुम मेरे साथ होते हो ना, बहुत सिक्योर फील करती हूँ मैं। वादा करो कि तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहोगे। I promise. कुछ लोग जो प्यार करना नहीं जानते, जिन्हें प्यार के मायने तक नहीं पता, वो भी तुम्हारे साथ रहकर प्यार करना सीख जाएंगे। I love you so much. I love you too. Excuse me. अरे माने, तुम शर्मा के कहाँ जा रहे हो भाई? मेरी बीवी है ऐसी, बहुत प्यार करती मुझसे। छोड़ो, फोन है। हेलो हेलो, कौन है? पता नहीं, शायद किसी को मेरी आवाज नहीं पसंद आई। अब चले? Are you sure? चलो। बेकार में सबके सामने सीन बना दिया। इस सच ने मेरा कुछ लोगों की आदत होती है, न
ना तो खुद काम करते हैं ना किसी और को करने देते हैं। तन्हाइयों के भंवर में यूं छोड़ा है पर हम हैं शामिल खुशी में तेरी नई जिंदगी में तुम जीत जाओ ये देंगे दुआ दिल से अपनी हुई हार है कैसा ये प्यार है कैसा ये प्यार है कैसा ये प्यार है कैसा